धार जिले के पीथमपुर सेक्टर नंबर 3 नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने के कारण सभी राजनीतिक दलों द्वारा बार बार टोल टैक्स कंपनी को रोड रिपेयरिंग करने के लिए ज्ञापन दिए गए और धरना भी दिया गया, मगर रोड कर्मी के द्वारा रोड रिपेयरिंग नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते आज सामाजिक संस्थाओं द्वारा आज जीवन ज्योति कॉलोनी से टोल टैक्स इंडोरामा तक पैदल मार्च रैली निकाली गई। हाथ में काली पट्टियाँ बांधी और तख्ती लेकर जिसमें लिखा हुआ था रोड नहीं तो टैक्स नहीं और टोल कर्मियों को गुलाब के फूल देकर विरोध जताया। शांतिपूर्वक सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया। पीथमपुर से संजय सुनगरा की रिपोर्ट। शांतिपूर्वक जो आपने आज गुलाब के फूल इनको दे के प्रदर्शन किया, उस बारे में आपका क्या कहना? देखिए, शांति मार्च का आज हमने आयोजन किया है। इस शांति मार्च का जो आयोजन है कोई आज आके समाप्त होने वाला नहीं है, एक आंदोलन की शुरुआत है। रोड पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, यहाँ लोगों को आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, जाने जा रही है। कई लोग घाटा बिल्लोद के पास में ये स्थिति बन गई है कि वहाँ रोज जाम लग रहा है, गाड़ियाँ पलटी खा रही है। गाड़ियों की ये स्थिति है कि उनका इतनी नुकसान हो चुका है कि उनकी भरपाई करना मुश्किल है। ज़्यादा अगर MPRDC टोल टैक्स कंपनी का कहना है कि हमने MPRDC को रोड के गड्ढे भरने के लिए बोल दिया और MPRDC इसके लिए जिम्मेदार है, तो MPRDC के काम खुद तो सही है। वो कोई यहाँ अगर रोड बनाने का काम MPRDC पीथमपुर क्षेत्र में करती है तो निश्चित रूप से गड्ढे मरम्मत का कार्य 15 दिन का उनको हम समय सीमा 15 दिन का समय दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर ये काम नहीं पूरा करते हैं तो उसके खिलाफ, जैसे टोल कंपनी वाले बोल रहे हैं कि हमने तो लिखित में दे दिया कि टोल प्लाजा हमें बंद करना है, निश्चित रूप से बंद करके घर चले हैं, हमको कोई चिंता नहीं, टोल मुक्त रहेगा, फिर गड्ढे हम सामाजिक संस्था मिलकर गड्ढे भरेंगे। आपका नाम? राजेश चौधरी। मऊ नीमच हाईवे की जो दशा है और उस पर जो टोल वसूला जा रहा है, उन गड्ढों को आज जो मौत का कारण बन रहे हैं, उन गड्ढों के लिए हमने पैदल मार्च निकाला। आज सामाजिक संस्था सागोर, राजेश जी चौधरी एडवोकेट और जीवन ज्योति कॉलोनी से संस्था निर्भय परिवार के सब लोगों ने आह्वान किया था कि भैया एक शांति मार्च निकाल कर गांधीगिरी तरीके से हम टोल, जो आपने शांतिपूर्वक मार्च निकाला, अगर इससे कुछ परिणाम नहीं निकलता तो उसके बाद आप क्या एक्शन लेंगे? इसके बाद भी अगर कुछ परिणाम नहीं निकलता है तो आज जितने लोग आए हैं यहाँ की जो कंप्लेंट बुक है उसमें कंप्लेंट दर्ज करवा के सब जा रहे हैं, उसकी कापियाँ लेके 15 दिन तक हम रास्ता देखेंगे। उसके बाद कोर्ट में, हाई कोर्ट वगैरह ये सब है, उसके लिए रिट पिटीशन लगाने की हम बिल्कुल तैयारी करेंगे। इनके ऊपर केस ऐसा है कि ये मरम्मत का सारा कार्य MPRDC ने ले रखा है और उनको ज्ञापन दिया भी जा चुका है इस चीज़ के लिए और आज फिर उनको इस चीज़ की जानकारी प्रारंभ होगा। इससे पहले अभी हम रोज करा रहे हैं, जा रहा है। सर आपका नाम और पद? सर आपका सहायक प्रबंधक। अभी 7 तारीख को कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा टोल को फ्री किया गया था लगभग 3 घंटे के लिए। उसमें MPRDC के अधिकारी और SDO साहब सभी आए हुए थे और जिनको लिखित ज्ञापन भी दिया गया है और ये टोल लॉस में चलने के कारण हमारी कंपनी ने MPRDC को सरेंडर कर दिया है और रोड की मरम्मत की सारी जिम्मेदारी अब MPRDC ने ले ली है। पर भारी बारिश के कारण रोज कार्य थोड़ा बहुत किया जा रहा है, जो और आदमी फिर जो है खुल जा रहे हैं। और ये सर MPRDC का आपका जो टोल टैक्स का पैसा आप ले रहे हो, ये किसको जा रहा है? ये हमारा बैंक पर लोन है जिसकी उस भरपाई की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।